मैं तो बिल्डू नहीं देख रू वोट मैंने बेरा गुण के लग गए पंद्रह तो कप्तान मिन्नू मैनवाल ने भारी करना है जब सगे वो नहीं अब संतोष की टिकट कट गई तो हम भी अभय सिंह के साथ जाएंगे। मैं तो बरसिंगा जमीर तकड़ा देख के वोट गिर रहा है। अच्छा जरा लोग हंसण खतर आवे बरता भाषण सुन ले हंस ले टाइम पास कर ले हमारे बेगा वीडियो देख ले भैया। नमस्कार साथियों, मैं आपके साथ पत्रकार राहुल इंदौरा, आप देखना कर चुके हैं अपने न्यूज। इस वक्त मैं एलनावा हल्के के गांव तरकावाली में पहुंचा हूं। चलिए जानते हैं यहां के ग्रामीणों से कि अब की बार किसको एलनावा का विधायक चुनते हैं। पंद्रह तो कप्तान मिन्नू मैनवाल ने भारी करना है जो सगाई कर दी वो नहीं भरी। वो बीजेपी का भी कर सका है, कांग्रेस का भी कर सका है, इन लोगों भी कर सके 20,000 वोट एक ले बैठे है। अब 1.25 लाख वोट पोल होंगे लगभग, 20,000 वोट हार जीत के फैसला वाले वोट वही कोठी ठीक है। वो जो चाहेगा वो न्यू कहेगा अभी हमारी पार्टी बीजेपी है तो बीजेपी मजबूत हो जाएगी। वो जो इंद्र लोगों को कहता है अभी लोग के अंदर खाते गठबंधन हो रहे हैं भी सुने या बात तो केवल अभी वो भी मजबूत कर दे रहे भाई। वो दोनों अंदराज हो अगला वो दोनों काम है। मन तो यही बात कही है अभी अपने घर बैठे रहो आराम से आराम करो और मैं आप बता दूंगा आपको किसको वोट देना है। और वैसे कहता है पार्टी है वो असंतुष्ट पार्टी होती है ठीक है। मैं तो बिल्लू नहीं देख रू वोट मैंने बेरा को नहीं लग गए तो बिल्लू नहीं देवा बिल्लू जीत दो फिर बिल्लू आ रहा है कदी या सीट है टक्कर मैं टक्कर का कोई नहीं मेरे वोट बिल्लू नहीं देख रू मैं थारो वोट ना मैं कह के नहीं जाऊँ थारी बात है टक्कर फिर कांग्रेस की बिल्लू की होगी दो आंगी तो बीजेपी पिछले 5 साल में काम करवाया है मेरा आगे तुरे कोई काम आया नहीं है सड़क तो बनाई है भाई ईरानी वाली बस स्टैंड पे 5-7 बैठे बे तो न्यू क्या बोलो खाद बीज बढ़िया दे दियो और किसान आगे बीजेपी दे दी पीछे और कौन दिए गए खेती खाद बीज किमी कौन दिया को खाद दिन को बीज दिया बिना पर्ची बिना खर्ची बच्चा लागे हैं बिना पर्ची बिना खर्ची टब्बर गए टब्बर कोई फौज में तो लग गया होगा और मेरे जान में लग गया कोई अल्लाह बाद में अभय सिंह चौटाला जीता भाई। तो कारण के बार बार एमएलए बन गया कारण तो सारों बड़ा कारण ये हो गया कि संतोष की टिकट कट गई। संतोष की टिकट कटने की वजह जो नुकसान हुआ नहीं कांग्रेस के मैं कहना अभय सिंह जीता। अच्छा हाँ तो शैलजा संतोष पवन बैठने वाला अगर एक साथ होते तो अभय सिंह अब की बार मुश्किल था जीता। हाँ अब संतोष की टिकट कट गई तो हम भी अभय सिंह के साथ जाएंगे। तो बीजेपी पिछला 5 साल में कोई काम करवाया है बीजेपी कोई काम कुम कौन कराया क्या कराया वो दे दिया बीजेपी में वोट जितने वोट बीजेपी का होगा उतने वोट आऊंगे बिल्लू जीतता है इलाहाबाद में। एक चीज और बताओ समाज से भी थारा गांव का एक कप्तान मिलने वाला है बीजेपी का न्यू टिकट टिकट कट गई टिकट काट बांग जगह मेतन दिए हां अमीर चंद मेहता मेहता कौन जाने कोई कौन जाने मेहता ने कप्तान ने वोट मिला और गामू एक तरफा जीता अब अभय सिंह का निजा है सारा सिस्टम। मैं कहा जी बीजेपी को थामे ये गांव में चौकीदार कौन लग गया देखो चौकीदार कौन लग गया हर गांव में जावा बेनू का बच्चा बिना पर्ची बिना खर्ची लगवा दिया का बीजेपी का लगा दिया पापा मैं क्यों तो कान मार लिया अरे सम्मना झूठे दस्तखत करवा लिया मेरा मान खड़े फसाओगे 10 साल हो गए कौन भी झूठे दस्तखत करने पड़ा थार वर्ग आ जाते हैं मैं तो कार ही करा ही लगे और वहां घर गए एल लगा दू के लगा मको मोल दे मोल ही है बिल्लू जीता इब करो न्यू लगा के मिन्नू तो मिली कौन टिकट है कटी भी मिन्नू मिलवाई कटी गई है हां आगे भरतो है फिर अरबो का मैं कल एक दिन नीचे वो तो भी बड़े डोर के खुला बेरा फटेगा एल लगा दू मैं भी सीन अच्छा किन सर टक्कर की ही रह रही हो रही टक्कर को नहीं एक तरफ आई मैं तो पिछले उपचुनाव में कितना वोट हुई थी अरे हम कौन जीते पिछले बार भी जीती थी कितना वोट हूं बीजेपी जीते 125 वोट आए या 187 अब की बार खेल जाने अब की बार इन्हें लो जीती कितना वोट आता है एक तरफ आई मैं अच्छा थारा गांव का कप्तान मिन्नू बेनीवाल है बाकी टिकट कट के अमीर चंद में तंदी है तो अब बात कितने के राजनीतिक प्रभाव डालेगा राजनीतिक प्रभाव के डालेगी आप कप्तान खुद होते तो खास फर्क नहीं पड़ता कारण क्या है यहाँ से तो अभय सिंह नहीं जीतेगा चाहे कोई आए अभय सिंह बीजेपी पिछले 5 साल में कोई काम करवाएगी बीजेपी के काम करे
खेत में देखा एक तरफा बिल्लू काम करे किसाना खतर इस्तीफा दे दिया आज बात कर दे पूरी करे हमेशा एक नयो मुद्दो सामने आयो है के कि जे टाइम में अब से टोटल एस को दियो बेटा बीजेपी के पक्ष में आ गोविंद करना बांग सागर पर से गठबंधन कर लियो तो बांग कोई रणनीति मिल गई आप श्री बात हो गई हुई कोई गलती सलती मांग ली हुई कांडे और आ गयो सिती तो केला किसान राजी होगा इस राजी किसान खतर इस्तीफो देड़ो है राजी है किसान है किसान राज कदा बेसिम हमेशा अभी सिंह का साथ है किसान है रहोगा कोई दिक्कत तो बीजेपी पिछले पांच साल को काम करवाया है काम करवाया है एक तो मरगा में जोड़ो छोटो करवा दियो पहला दो बरसात पानी ना उड़ जाए तो एक को ना उड़े एक गली गली फूटी पड़ी है देख ले गाली देख ले बस ये काम है बीजेपी और के नशो बढ़ा रखे है चिट्टो बढ़ा रखे है जद बीजेपी सरकार आई बाद में आया अपने नशो जो था नहीं बेरा देवी बंद कर दियो बीजेपी नशो जो छोटा बेचता नहीं बंद कर दियो शिवा बेचता है बड़ा मान ले लीडर हो गया पार्टी का बेबे थे नाश कर दिए दियो अच्छा तारा गांव का समाज से कप्तान मीनू बेन वाली टिकट कटी है मिशन में तन मुझे के पे तो अपना आदरणीय दादाजी ये बा खतर में के कैस काम बढ़िया गांव के खतर जिक्र होयो भी टिकट को वो भी बहुत मोटो टिकट कट गई या बात प्रभाव डाले प्रभाव या के डाले खुद आवार जो तो प्रभाव डाला रे कोई प्रभाव को डाले कोई तो थारो कहनो मतलब है एक तरफा अभी सुन एक तरफा निगरी काम है मान ली देख लिया अगर बर्तो है वो कच्ची तुम्हारू है बर्तो है जर लोग हंसन खतर आवे बर्ता है भाषण सुन ले हंस ले टाइम पास कर ले मारे बेगा वीडियो देख ले भैया गाले रखे फोटो कदी कहीं गाले कदी मोर पांग गाले कदी की कौन बटना बर्ता बर्ता है हाँ खा गया लूट गया आपकी सरकार ये भाई खा गया एरिया ने या आप खा गया के करे बढ़ते चलान बचा दियो चलान ने फिर आज की टाइम में कागज सारा नहीं पूरा कंपनी पूरा दे कहेंगे चलान बचाओ बर्तो का मैं आधक देश की छोरियां बचा दी ये इंटरव्यू मान ले फोन पर देगा हो गए सॉरी बसा दी फलाने बसा दी अगली बेइज्जती और करे फलाने सॉरी बसा दी या कोई राजनीति की बात को नहीं ये वह घर की बात या ना मीडिया सामने ना लेनी चाहिए बढ़ता है माले स्क्रोल ढीले हो रही और कि तो बोले कौन जाए और की फिर वो इशारा सुरा में किए बेगो सलाहकार ही सौंपाओ यार मतलब की बार बढ़ता कह दियो है की बार मेरा किसी कान में दर्द नहीं है दोनों टांग में हो जाएगो फिर कौन जाओ एरिया बिल्लू सामने टांग में हो जाओ कान में ना हो तो दर्द तो होना ही होना है पांच बाद में दर्द ही दर्द होना है बढ़ता है कि पास से कांडा कुंडा कुंडा लेड़ा भी लाग जाए दर्द ही है कोनी है कोनी हो गया दर्द कितनी दी एंड भी दर्द होना है बढ़िया इलाहाबाद विधानसभा तो भरत सिंह ही जीता गया यार भाई तो बीजेपी पिछले पांच साल हम काम करवाएगी काम का तो के बेरा यार काम तो कोई कौन करवावे राजनीति यार सारे ही चोर चक्के हुए ठीक है मैंने जो भरत सिंह है नहीं वो जमीर का पक्का आदमी है यार अरे मैं तो भरत सिंह का जमीर तकड़ा देख के वोट गिरूंगा यार अच्छा भाई साहब मैं राजनीति में तो देखो विश्वास कौन रखू मैं तो तानाशाही प्रवृत्ति में विश्वास रखना आदमी हूँ लेकिन भरत सिंह का जमीर जिंदा है हर बात का पक्का है देखो जद आप मैं वोट देंगे यार देखो हमारे कप्तान ने टीम मिला अब हमें टिकट मिला तो कप्तान फाइनल था ये मैं बनियन कोई जाने था को नहीं है तो बिल्लू फाइनल है तो कप्तान की टिकट काट के अमीर चंद मेतन टिकट दे आ था अमीर चंद मेतन और जाने को नहीं 80% ही को नहीं अमीर चंद मेतन था लोकल एरिया में हमारे एरिया में अगर कप्तान को मिलती तो सीनियर था आ बात प्रभाव गिरेगी सब कुछ गेटेगी कप्तान भाई साहब कह तो गए लेकिन अब पूरी दिल तो कौन कैसे कहनी भी हमारे नहीं तो हमारा गांव है पूरा एक जुट होवार पंचायत भी इकट्ठी होवार उरे तो कप्तान साहब को हमते दिल से साथी थे हाँ रहेंगे अब कहीं कहीं टक्कर लगा था अब कहीं कहीं टक्कर कौन लगा इन बिल्लू ना जोर को नहीं आवे बात यह सही बात है बिल्लू क्लियर ही है कोई टक्कर टक्कर कौन है सिस्टम बैठा बिल्लू पर्सनल वोट है जितने